उदयपुर के बेदला इलाके में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात भी बच्चों की गैंग ने दो मंदिरों के ताले तोड़े। हालांकि कुछ दान पेटी में नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। पूरा घटनाक्रम मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जहां 5 बच्चे मंदिर में जाते हुए और गर्भगृह में जाकर दान पेटी को खोलते दिखाई दिए। मंदिर से कुछ नहीं मिला तो चोर घंटी अपने साथ ले गए। बेदला अस्पताल चौक के पास प्रकटेश्वर महादेव और माली समाज के महादेव मंदिर के ताले तोड़े गए। सुबह पूजा करने पहुंचे लोगों ने ताले टूटे देखकर क्षेत्रवासी को बताया और इसके बाद मौके पर ग्रामीण जमा हो गए। बड़गाम उपप्रधान प्रताप सिंह राठौर भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए तो वीडियो में चोरी करने वाले बच्चे नजर आए। सूचना पर सुखेर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी ने मंदिर के आसपास मौका मुआयना कर सीसीटीवी चेक किए। उपप्रधान राठौर के अनुसार सीसीटीवी में लग रहा है कि 5 बच्चों का एक गिरोह मिलकर वारदात को अंजाम देने आया था। मंदिर की दान पेटी में कुछ भी नहीं था। कल शाम मंदिर में जल मनोरथ हुआ और इसके चलते ज्यादातर सामान पुजारी मनोज शर्मा ने हटा दिया। देर रात को पुजारी ताला लगाकर घर गया था। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि किसी गैंग द्वारा बच्चा चोरों को सपोर्ट किया जा रहा है। बच्चों को आगे कर उनसे इस तरह की वारदातें करवाई जा रही है। इससे पहले सुखेर थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।